आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मूंगफली की चटनी बनाना। आप लोग जब जाते हैं कहीं पे केरला में या हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं पे भी, तो आप लोगों को इसकी चटनी मिलती है। आज मैं आपको इसकी चटनी बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मैंने इसे भून लिया है और इसका जो ऊपर का छिलका होता है ये मैंने इसको छील लिया है भून के बड़े अच्छे से। ये मैंने लिया है मिर्च, ये लिया है मैंने लहसुन। अब इन दोनों का बैटर बना लूँगी, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने वो जो मूंगफली था उसका बैटर बना लिया है। उसका बैटर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मिक्सी में इसे पीस दिया है। और अब उसके तड़के के लिए देखिए मैंने रख लिया है ये थोड़ा सा राई दाना, ये मिर्च लिया है मैंने, और ये कड़ी पत्ता लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। ठीक है, मैंने कढ़ाई गर्म करके रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। इसमें मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच, 3 बड़े चम्मच मैं इसमें रिफाइंड ऑयल। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं, आप सरसों के जो सरसों का तेल होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें राई दाना। हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। ये हमारा सरसों का दाना है जो राई दाना बोलते हैं। ये देखिए, ये भून रहा है हमारा, इसे मस्टर्ड भी बोलते हैं। ये जब हम शॉप पे जाते हैं, किसी भी स्टोर पे जाते हैं खाने के लिए, तो उसमें आपको ये चटनी मिलती है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। ये देखिए, ये भून गया है हमारा बहुत प्यारा सा। ये देखिए, ये हमारी मिर्च भून गई। अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। अब मैं इस गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, मैंने इसे बंद कर दिया है। अब मैं ये जो बैटर मैंने इसका जो तैयार हो गया, इसको मैं ये जो चटनी है इस चटनी में डाल दूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी। देखते रहिए, ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये। अब मैंने इसे मिक्स कर दिया है। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ये मूंगफली का चटनी बना के जरूर घर में ट्राई करें। आप इसे इडली से खा सकते हैं, डोसा से खा सकते हैं, आप इसे राइस से भी खा सकते हैं, आप इसे पराठे से खा सकते हैं, आप सुबह सुबह नाश्ते में रख सकते हैं, आप लंच में भी इसे रख सकते हैं। और आप हमारे जो कमेंट में भी कमेंट करिएगा और जो मेरा सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी बजाएं, और ताकि मेरी अगली वीडियो आप देख पाएं। थैंक यू।